दोस्त, आज के इस वीडियो में बात करते हैं AWS जॉब के बारे में, या AWS एडमिन बनने के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या आना चाहिए और क्या नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, और सैलरी स्टार्टिंग कितनी है। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं, टोटल वीडियो उसी पे होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से दोस्तों, जिसमें पहला पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, EC2। EC2 इज़ द मेन पार्ट ऑफ द AWS अमेजन वेब सर्विस का। EC2 एक मेन पार्ट होता है जो कि आपको अच्छे से आना चाहिए। हाँ, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट होता है, एक VPC होता है, एक ELB होता है, एक ऑटो स्केलिंग होता है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ वो पॉइंट बता रहा हूँ जो जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए और जो आपको इंटरव्यू के लिए रेडी करना चाहिए। ये एक मेन पॉइंट होते हैं इंटरव्यू में जाने के लिए या इंटरव्यू में बैठने के लिए, कि ये पॉइंट आपको पता ही होना चाहिए। अगर बाकी सारा कुछ आपने बता दिया ना, आपने EC2 नहीं बता पाया, आपने ELB नहीं बता पाया, तो समझ लो बाकी सारा बताया हुआ बेकार है आपका। ये बोलते हैं ना कि किसी मकान के लिए नींव रखना या किसी पेड़ के लिए जड़ होना, उसी तरीके ये AWS क्लाउड के लिए ये एक जड़ है जो कि आपको इनके बारे में पता होना ही चाहिए। क्लाउड वॉच हो गया, Route 53 हो गया, S3 हो गया जो स्टोरेज होता है, और एक पॉइंट RDS। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं ना मेरे दोस्त जो आपको AWS जॉब के लिए आपको आना बहुत ज़रूरी होते हैं। और इस पर ज़्यादा कुछ नहीं, आप जाके FAQ पढ़ो, वहाँ से जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होते हैं ना, इसके बारे में वहाँ से पढ़ो। समझ लो आपका 50% इंटरव्यू यहीं से निकल जाता है। बाकी आपने कहीं से ट्रेनिंग वगैरह की है या कहीं पढ़ा है या आपने प्रैक्टिकली किया है, तो 50% आप वहाँ से उठा लो, 50% आप थ्योरी उठा लो, 100% हो गया और आपका इंटरव्यू हो जाएगा क्रैक। और जो तीन इसी में अदर पॉइंट होते हैं, अगर वो आपके पास है ना, उसकी नॉलेज अगर आपके पास है, तो आपके अंदर वो एक एडवांटेज की तरह यूज होंगे, आपकी तरह एक एक्स्ट्रा बेनिफिट वहाँ पे देंगे। जैसे कि आपका लिनक्स हो गया, उसकी नॉलेज अगर आपको है, आपका नेटवर्किंग हो गया अगर आपको उसकी नॉलेज है, एंड थर्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, स्क्रिप्ट लिखने वाली जो लैंग्वेज होती है, तो उसका अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज है ना, तो ये आपके लिए ये बहुत ज़्यादा एड ऑन करेंगे वहाँ पे। फिर तो समझ लो आप 70% बाकी निकालो, 30% केवल सिर्फ ये बोलो कि नहीं नहीं मुझे इसका नॉलेज है, समझ लो आपकी जॉब पक्की है। तो ये एक अदर थिंग्स हैं, तीन अगर आपको आती हैं तो मच बेटर है, और आपकी जॉब फिर कोई रोक नहीं सकता। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसा होता है कि पाइथन आना चाहिए, एक एंसिबल एक लैंग्वेज होती है, ANSIBLE उसको बोलते हैं, तो पाइथन या एंसिबल में से कोई एक लैंग्वेज भी आप सीख सकते हो। मतलब ये आपको मैं एंट्री लेवल का बता रहा हूँ, ये नहीं कि आपको इसमें फाड़ू बना देगा, ऐसा नहीं है, एंट्री लेवल का बता रहा हूँ। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अंदर चले जाते हो क्लाउड वगैरह पे, वहाँ पे वो पढ़ लेते हो, तो फिर समझ लो फिर आप वैसे भी सीख ही जाते हो, कैसा भी काम हो कुछ दिन में सीख ही जाते हो आप। तो ये कुछ थे ऐसे पॉइंट जो एक AWS एडमिन या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्लाउड पे जाने के लिए आपके पास होने चाहिए या आपको उनका नॉलेज होना ही चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।